की जिसका इंतजार देश पिछले 70 साल से कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर देश को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं और ये तोहफा चीतों का है जो भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया था, लेकिन देश के जंगलों में एक बार फिर से चीतों की रफ्तार दिखेगी। अफ्रीकी देश नामीबिया से 8 चीते भारत लाए जा रहे हैं। भारत की धरती पर फिर चीते की दहा। एक बार फिर जंगल होंगे गुलजार। सत्तर साल बाद दिखेगी चीते की। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क में वन विभाग के कर्मचारियों की ये तैयारियां हो रही हैं उन नए मेहमानों के स्वागत के लिए जिनका इंतजार देश पिछले 70 साल से कर रहा था। कुनू नेशनल पार्क के इन्हीं रास्तों से जब आप अगली बार गुजरेंगे तो आपको यहाँ चीतों की मौजूदगी का एहसास भी होगा और उनकी हलचल भी महसूस होगी, क्योंकि अफ्रीकी देश नामीबिया से 8 चीते कुनू नेशनल पार्क लाए जा रहे हैं। 17 सितंबर को सभी 8 चीते कार्गो विमान से जयपुर पहुंचेंगे और इसके बाद उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क लाया जाएगा। 8 नए मेहमानों के स्वागत के लिए कुनू नेशनल पार्क में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जहां पर इन चीतों को रखा जाएगा। वहां और उसके आसपास के पूरे इलाके में अलग से इंतजाम किए गए हैं। चीतों का नया घर बनेगा कुनू नेशनल पार्क। 750 वर्ग किलोमीटर में चीतों के रहने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही 500 हेक्टेयर में चीतों का बाड़ा बनाया गया। दरअसल एक महाद्वीप अफ्रीका से दूसरे महाद्वीप एशिया में चीतों को बसाना एक बड़ी घटना है और यही वजह है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुनू नेशनल पार्क में अपने जन्मदिन पर चीतों को बाड़े में छोड़ेंगे और इसके साथ ही भारत एक साथ शेर बाघ और चीते का घर बन जाएगा। 7 दशक का खत्म होगा इंतजार। भारत में 1952 के बाद से चीते नहीं देखे गए और इसे विलुप्त प्रजाति की श्रेणी में रखा गया था। तब से लेकर अब तक चीतों के पुनर्वास के लिए कई कदम उठाए गए, लेकिन चीतों का देश में पुनर्वास नहीं हो पाया। मुगल शासक चीतों को पालने के शौकीन हुआ करते थे। अकबर के वक्त 10,000 से ज्यादा चीते पाले हुए थे। वहीं 20वीं सदी में जानवरों का आयात होना शुरू हुआ। सन 1799 से 1948 के बीच करीब 230 चीते भारत में बचे। एक जमाना था जब भारत के जंगल भी चीतों का घर हुआ करते थे, लेकिन आखिरी बार चीता 70 साल पहले देखा गया। दरअसल बढ़ते शिकार और बदलते पर्यावास ने चीते को खत्म कर दिया। नौबत ये आ गई कि साल 1952 में भारत की सरकार ने चीते को विलुप्त प्रजाति की श्रेणी में रख दिया। 1952 में इस पर सर्वे शुरू हुआ था जिसमें पता चला कि देश से चीते पूरी तरह से गायब हो चुके हैं, जिसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार के वक्त चीतों के पुनर्वास की कोशिश की गई। ईरान की सरकार से एशियाई चीते लाने पर बातचीत हुई। एशियाई शेरों के बदले ईरान से चीते लाने की बात हुई थी। लंबे वक्त तक समझौता अटका रहा और बाद में रद्द हो गया। इस समझौते के रद्द होने के बाद कई कोशिशें और की गई जो परवान नहीं चढ़ सकी, जिसके बाद अब नामीबिया से 8 चीतों को लाने का समझौता हुआ है। 8 चीतों को मध्य प्रदेश के श्योपुर के कुनू नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा। अब सबको इंतजार है उस घड़ी का जब देश के जंगलों में एक बार फिर से चीतों की दहाड़ और उनकी रफ्तार दिखाई देगी। चीते अब किताबों के पन्नों तक सीमित नहीं रहेंगे, क्योंकि 74 साल के बाद देश में चीतों की रफ्तार का सपना पूरा होने जा रहा है। भारत की धरती पर फिर से चीतों का आगमन हो रहा है जो 1948 के बाद नहीं देखे गए थे। चीता दुनिया का सबसे तेज भागने वाला जानवर है। अधिकतम गति 120 किलोमीटर प्रति घंटे की है। 1952 में चीतों को विलुप्त घोषित किया गया। 70 साल तक देश में चीते नहीं थे। 1948 में छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में 3 चीतों का शिकार हुआ। तो एक बार फिर से चीतों की मौजूदगी भारत में नजर आएगी और इसी के साथ ही एक बार फिर से देश के जंगल चीतों की दहाड़ से गुलजार होने जा रहे हैं। नामीबिया से 8 चीते भारत लाए जाएंगे, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क में इन चीतों को रखा जाएगा, जिसे चीतों के लिहाज से सबसे उपयुक्त माना गया है।
भारत की जलवायु चीतों के लिए मुफीद है, पर्यावरण के लिए उनका होना जरूरी भी है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चीते रह सकते हैं। 5 राज्यों की 10 जगहों पर चीते रह सकते हैं। चीतों के लिए मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क को चुना गया है क्योंकि वहां पर चीतों के खाने की कमी नहीं है। चीतों के लिए यहाँ अधिकतम औसत तापमान 42.3 डिग्री सेल्सियस से न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस रहता है। और टीआरपी की रेस में न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत कायम है। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आज तक पर अब बहुत बड़ी बढ़त बना चुका है। टीआरपी में न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 18% ज्यादा दर्शकों ने देखा। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया के पास 14.4% मार्केट शेयर है जबकि 12% के साथ आज तक बहुत पीछे है। जी न्यूज और एबीपी न्यूज मिलकर भी न्यूज 18 इंडिया से बहुत पीछे है। आपका भरोसा हमें लगातार बना रहा है देश का नंबर।